काशी राम के चेले हार गए और भगवान श्री राम के भक्त जीत गए, कैसे ये जानने के लिए तो आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा और पसंद आए तो लाइक कमेंट और शेयर भी करना होगा। देखिए वीडियो। नमस्कार दोस्तों, आप सभी को शायद ये पता होगा कि मायावती की पार्टी बसपा ने राम मंदिर बनाने का वादा किया है। जी हाँ, ये तो सूरज उल्टी दिशा से उगने जैसी बात हो गई। क्यों, तो पूरा वीडियो सुनने से आपको ये समझ आ जाएगा। कांशीराम का पूरा राजनीतिक चिंतन फेल हो गया क्योंकि मायावती की पार्टी BSP ने भव्य राम मंदिर बनाने का वादा कर दिया। आपको ये बात सुनकर यकीन तो नहीं हो रहा होगा, लेकिन यकीन कीजिए, आगे देखिए। एक जमाना था जब समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी ने कांशीराम के एजेंडा तले एक नारा दिया था। क्या नारा दिया था? मिले मुलायम कांशीराम, हवा में उड़ गए जय श्री राम। लेकिन आज मायावती की वही बहुजन समाजवादी पार्टी, उसका नारा है कि ब्राह्मण वोटों से चलेगा काम, खुलकर बोलो जय श्री राम। अब इस पे एक और नारा हमें याद आता है कि तिलक तराजू और तलवार इनको मारो जूते चार। यहाँ तिलक तराजू और तलवार से सब मतलब तो आप समझ ही गए होंगे। ब्राह्मण वैश्य और क्षत्रिय इनको कहते हैं तिलक तराजू और तलवार, जिनको जूते मारने की बातें ये समाजवादी ये बसपा करती थी और अब उनको ही अपने गले लगाने की बातें राजनीति के चलते कर रही हैं। खैर आगे बढ़ते हैं। अयोध्या में ब्राह्मण सम्मेलन हुआ। मायावती के सिपहसालार सतीश चंद्र मिश्रा ने अयोध्या में राम जन्मभूमि के दर्शन भी किए और रामलला के दर्शन करने के बाद मंच से जब भाषण देने उतरे तो वहाँ पे लगभग इन्होंने 1 घंटे 6 मिनट का भाषण दिया और उसमें इन्होंने 12 मिनट राम मंदिर पर खर्च कर दिए। हम जानते हैं कि BSP दोगलापन कर रही है, हम सभी जानते हैं बिल्कुल, लेकिन फिर भी कुछ लोग डामाडोल हो जाते हैं तो उनको समझना जरूरी है। इसी BSP ने 2019 में नारा लगाया था कि ब्राह्मण उत्पात मचाएगा और हाथी बढ़ता जाएगा, क्योंकि तब इसने झूठा एजेंडा ये चला कि ब्राह्मण दलितों पर अत्याचार कर रहा है। लेकिन आज इसने फिर वही पुराना नारा लगाकर मूर्ख बनाने की कोशिश की है कि हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है। जो बहुजन समाजवादी पार्टी जय भीम जय मीम के विचारों पर चलती है, मुसलमानों का तुष्टीकरण करती है, वही BSP आज बाबरी मस्जिद का विध्वंस करने वाली हिंदुत्ववादी विचारधारा के पोषक ब्राह्मणों को रिझाने के लिए झूठ पर झूठ बोल रही है। क्या BSP को ब्राह्मणों में कोई मूर्ख नजर आते हैं? हैरान करने वाली बात है कि आज BSP के महासचिव सतीश मिश्रा ये सवाल पूछ रहे हैं कि रामलला को टेंट में क्यों रखा गया है और रामलला के मंदिर की अब तक नींव ही क्यों भरी गई है। सतीश मिश्रा ने कहा कि अगर सरकार मायावती की होती तो जल्दी से जल्दी भव्य राम मंदिर बना दिया गया होता। अब कोई मूर्ख ही होगा, महामूर्ख, जो इनकी राजनीति को नहीं समझ पा रहा होगा और इनके छलावे में आकर इनको वोट देगा। सोचिए, अब मायावती खुद भव्य राम मंदिर बनाने का वादा कर रही है तो आज समझ सकते हैं कि किस तरह आज श्री राम के भक्तों की राजनीति जीत गई और कांशीराम के चेलों की राजनीति दफन हो गई। अंत में हम सभी से ये कहना चाहेंगे कि आप सभी को इस राजनीति को बड़ी बारीकी से समझना चाहिए और केवल वर्तमान नहीं, जो पीछे हो चुका है उसको भी जानना चाहिए। वो कौन है जिन्होंने राम भक्तों पर गोलियां चलाई थी? वो कौन है जिन्होंने ब्राह्मणों को खत्म करने की बातें करी? वो कौन है जो हमेशा दलितों और ब्राह्मणों को लड़ाते रहे? वो कौन है जिन्होंने तिलक तराजू और तलवार इनको मारो जूते चार के नारे लगाए थे? वो कौन है जो आज भी ये टेढ़ी नाक वाला कहता है कि राम मंदिर का निर्माण रोक दो, पहले इस ये जो घोटाला हुआ इसका पता लगाओ? यानी इनके जो दिल में है, जो स्वाभाविक है, वो यही है कि ये राम मंदिर का निर्माण किसी भी हाल में ना हो। लेकिन मायावती ने तो कुछ और ही कर दिया, शायद कुछ और सोच रही है। लेकिन हमें यकीन है कि UP के हमारे भाई गलत कदम नहीं उठाएंगे और इन धूर्तों की चालों में नहीं फंसेंगे। जो सच है उसका साथ देंगे और जीत
फिर राम भक्तों की ही होगी। जय श्री राम, वंदे मातरम, भारत माता की जय। यदि आप वीडियो को ठीक से समझ गए हैं तो कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखिएगा और इस वीडियो को हर राम भक्त तक पहुंचा दीजिए।